2024 का जो लोकसभा का आम चुनाव होगा उसमें केजरीवाल और तमाम विपक्षी दल जो जनता के बीच में जाएंगे, वो जो आज बेतहाशा बेरोजगारी है, महंगाई है, आम गरीब आदमी जो आज महंगाई से त्रस्त है, युवा बेरोजगार सड़कों पे घूम रहे हैं, इन सब मुद्दों को लेकर के, चाहे वो पेट्रोल के दाम हो, डीजल के दाम हो, गैस के दाम हो, इन सब चीज़ों को लेकर के निश्चित तौर पे विपक्ष की और अरविंद केजरीवाल की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसके आम चुनाव में केजरीवाल जिस तौर का इक्का साबित हो सकते हैं, क्योंकि कई नौजवान, कई अभी देखा होगा अपने प्रदेश में, उत्तराखंड प्रदेश में कितनी भर्तियों में धांधली हुई, कई हाकम बन के पैदा हुई, और मुझे ये लगता है कि आने वाले 2024 के चुनाव में केजरीवाल जी तुरुप का इक्का साबित होंगे, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये भाजपा और कांग्रेस के लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। लोग, मुझे ये लगता है कुछ और अन्य दल, क्या केजरीवाल इनका और अन्य दलों का अलायंस होगा? मेरा ये मानना है कि इनका अलायंस होना चाहिए। केजरीवाल जी जो हैं तो वो यहाँ एक नया विकल्प के रूप में तैयार हो सकते हैं। अब मैं ये आग्रह करूँ केजरीवाल जी अन्य दलों से, जो छोटे दल हैं, हमारे वाम दल हैं, ये UKD हैं, ये अन्य दलों से अपना तालमेल बना के यदि ये मैदान में आते हैं तो तुरुप का एक साबित हो सकता है कि आम जनता के नब्ज में, दिलों में उनकी हक की बात करते हैं। मेरा तो ये कहना है केजरीवाल जी जिस तरह से पंजाब में सरकार चला रहे हैं, जो दो राज्यों में सरकार चल रही है, उसको फिर से देखा जाए तो गुजरात में भी मेहनत कर रहे हैं। यदि गुजरात में वो असफल होते हैं तो कहीं ना कहीं पूरे देश में एक मैसेज जाएगा, और यदि गुजरात के प्रत्यक्ष में वो सफल नहीं हो पाते हैं तो फिर आगे कुछ कहा नहीं जा सकता। मानना है जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी द्वारा इन 9 सालों में जो भी कार्य किया गया है वो बहुत ही निंदनीय है, हम तो यही कहेंगे। क्योंकि महंगाई, बेरोज़गारी जो उन्होंने वादा किया था बेरोज़गारी का कि हम 2 करोड़ रोज़गार देंगे, वो अपने उन मुद्दों पे खरा नहीं उतर पाए। चाहे उनने 15 लाख की बात की हो, चाहे उनने महंगाई कम की बात की हो, चाहे रुपया आज 82 क्रॉस कर चुका है, चाहे किसी भी जो भी कार्य उनने किया है, उस हिसाब से तो लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा का जाना तो तय है। जहां तक केजरीवाल की बात है, वहां बीजेपी को टक्कर देने के लिए उत्तराखंड में जितनी भी कोशिश करेंगे, सारी पार्टियों को एक हो जाना चाहिए। इन 8 सालों में जो लॉलीपॉप बीजेपी द्वारा जनता को दिया गया है, उसमें कुछ हद तक केजरीवाल अपने कामों में सफल भी हो रहे हैं, तो लोगों को का रुझान तो ऐसे ही लगता है कि लोग बीजेपी से तंग आ चुके हैं और अन्य पार्टी में जुड़कर देश के हितों में कार्य करने की सोच रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल जी की जहां तक बात है, तो जहां तक मैं समझता हूं कि उनकी भूमिका ज़्यादा कुछ नहीं रहेगी, क्योंकि दिल्ली सामने है, सबको दिल्ली के जिस हिसाब से वो वक्तव्य देते हैं, अपना जिस हिसाब से वो बातें कहते हैं और उस पलट जाते हैं, उस हिसाब से तो नहीं लगता है मुझे कि 2024 लोकसभा चुनाव में है कि 2024 में फिर भारतीय जनता पार्टी आने वाली है, क्योंकि और राज्यों में भी लोग कहीं ऐसा विरोध नहीं हो रहा जितना ये आम आदमी पार्टी और ये कांग्रेस बोल रहे हैं। अब इनका सूत्र तो ख़त्म हो चुका है। अरविंद केजरीवाल धुपल में या चाहे समझो आप बरगड़ा करके फ्री के सामान को वो करके बांट करके फ्री बिजली फ्री पानी करके हमारे से वसूल कर रहा है और बड़े बड़े उद्योगपतियों को लूट रहा है और तब फ्री बांट रहा है। इस फ्री से तो कुछ होने वाला है नहीं। और उत्तराखंड ने एक बार सबक सिखा दिया है विधानसभा चुनाव में कि 68 प्रत्याशियों के जमा जब्त हुए हैं उत्तराखंड में, और अब वो ये हाल होने वाले हैं गुजरात के चुनाव में। गुजरात में भी सफाया होने वाला है शायद, मेरे को लग रहा है कि क्या पता दो साल के अंदर ही पंजाब की सरकार भी गिर सकती है इनकी। 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने हैं, ये महंगाई जो देख रहे हैं आप, कि 550 का सिलेंडर आज 1200 रुपये का गाँव में मिल रहा है, पेट्रोल है 100 रुपये पार हो गया है,
और कोई भी चीज़ है, दाल ले लो, चीनी ले लो, कोई भी चीज़ है, इतनी महंगाई हो गई कि बीजेपी सरकार ने जो है तो पूरा ही नारा दिया था कि जो भी नारा दिया था चलो। और जो आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष की क्या भूमिका रही, तो मुझे लग रहा है कि विपक्ष एकजुट होगा और केजरीवाल जी का भी इसमें अहम भूमिका हो सकती है। जिस हिसाब से उन्होंने केंद्र में भाजपा सरकार थी और दिल्ली जीती, उसके बाद पंजाब जीता और अब गुजरात में भी उनकी इंटरफेयर है, और अगर गुजरात जीते हैं तो मुझे लग रहा है कि केजरीवाल की भी जो है तो विपक्ष को एकजुट करने में अहम भूमिका रहेगी।